लाठी से आत्मरक्षा करते, भई लाठी में कैसे दौड़ सकता हूँ? भारत की संस्कृति की आग को बचाए जो, नहीं दौड़ूंगा। देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंड। और हाँ, आप ये बस्ता बेच दीजिए, लेकिन अगर दिल में सम्मान हो और सपने बड़े हो तो कोई बस्ता कबार नहीं होता। इतनी अच्छी बात कही। पाटी साहब, क्या कहते हैं, बेच दिया जाए अटल के बस्ते को? तो फिर क्या करें, अटल लाठी नहीं तोड़ सकता, दूसरा कोई चारा ही नहीं हमारे पास। जाओ बेच डालो। लीजिए, इसका कीमत इतना ही है। दर्शन साहब, ये कीमत मिली है अटल के बस्ते की। क्या करूं, दे दूं? रख लो। वाजपेयी जी, अब अटल का टिकट काटकर उसे पटेश्वर भेजने की तैयारी कीजिए। और तोमर, तुम तुम्हारे पत्नी के हाथ का एक बढ़िया चाय लेके आओ। जो हुकुम हुजूर। जाओ। अब कुर्सी मैं लाऊं या तुम लाओगे? अरे माँ, चप्पल। माँ,
काल, अब क्या करोगे? तुम्हारा अवस्था तो चला गया, तुम्हारे सारे सपने खत्म। अटल, ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ? घर से बाहर आकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप ही कहती है ना कि जो मन में हो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। दादाजी भी कहते कि सफर चाहे जितना मुश्किल हो पहला कदम तो बढ़ा ही लेना चाहिए। क्या मतलब है इसका अटल? पहला कदम दूसरा कदम मतलब अटल? कुछ नहीं चाची, मुझे स्कूल जाना है और घर से बाहर आकर स्कूल जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बिना बस्ते के? हाँ, ताकि मेरे बस्ते को, प्रकृति को, भगवान जी को ये लगे कि मुझे स्कूल जाना था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे जाने से रोक दिया। सुदर्शन साहब, ये लीजिए, जलती हुई आग में गर्मा गर्म घी, मेरा मतलब है चाय। अब चाय पीते पीते मजा लेते हैं। अब अटल कितना और कब तक इंतजार करेगा विद्यालय जाने के लिए? अरे अटल, अब तुम जिंदगी भर इंतजार ही करते रहोगे। दीदी जरा रुकिए तो। आप सुबह शायद घर में नहीं थी ना? तो ये क्या थी? कहा और मैं ये क्यों ना मानूं कि त्रिपाठी जी के साथ मिलकर ये कबाड़ी वाली रणनीति रची है आपने? देखो, मैं सुबह सुबह टहलने गई थी। रोज तो नहीं जाती है दीदी। आज मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था तो चली गई।
अच्छा तो तुम्हारे घर में रहती हूं तो तुम हुकुम चलाओगी मुझ पर? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास ना करूं? क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रही है? और कौन सा हुक्म चला रही हो दीदी? माँ हूं तो माँ होने का कर्तव्य हर तरह से निभाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ आपसे। क्या हुआ बुआ जी? ये धूप खरीदते वक्त शायद आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि हम जो हमेशा धूप इस्तेमाल करते हैं ना, वो अलग है और ये अलग है। वैसे बुआ जी आप ठीक तो है ना? हाँ। देखा तुमने? देखा? मैं जब बाहर गई ही थी तो मैं ये भी काम करके आई हूँ। तभी गलती कराई ना दीदी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह, अभी बता रही थी, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था इन्हें, इसीलिए ध्यान नहीं रहा होगा और गलत धूप लेकर आ गई। गलती कराई ना दीदी। ऐसे ध्यान था कहा आपका? ईश्वर में ध्यान लगाती है ना दीदी, उनसे डरिए, क्योंकि ईश्वर सबका हिसाब रखते हैं और उनका ध्यान कभी नहीं भटकता। और ईश्वर हमेशा सही का साथ देते हैं दीदी। अच्छा, ईश्वर हमेशा सही का साथ देते हैं और तुम्हारी नजर में अटल सही है, तो फिर ईश्वर ने अटल का साथ क्यों नहीं दिया? उसका बस्ता वो कबाड़ी वाला ले गया और वो अभी बाहर इंतजार कर रहा है। बोलो कृष्णा, ईश्वर ने क्यों अटल का साथ नहीं दिया? अगर वो सही था तो देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिया। मतलब सीधा है, अटल गलत है। वो सही था, वो सही है, तो कृष्णा ईश्वर ने अटल का साथ क्यों नहीं दिया? बोलो कृष्णा, बोलो। माँ, माँ। मन में हो उसके होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लो अटल, तुमने
हम सब लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया था, उसके बदले हमने ये किया है। ये बस्ता तुम लोगों को कहाँ मिला? कहीं उस कबाड़ी से छीन कर तो नहीं लेकर आई तुम? नहीं, वो कबाड़ी वाला हमारे मोहल्ले से जा रहा था। अरे मजा आ गया हमको, मजा आ गया। अरे सुदर्शन जी के खास आदमी हम जो बन गया, मजा आ गया। पंडित के बेटा का बस्ता हमें मिल गया, मजा आ गया हमको, मजा आ गया। रुको चाचा। अरे क्या हुआ? अरे बोलो तो सही चाचा। पंडित जी का बेटा मतलब? अरे ये सब जान के तुम लोग क्या करेगी हैं? अरे कौन से पंडित जी? अरे वो वाजपेयी जी के बेटा अटल। हाँ क्या मतलब? अरे उन्होंने अपना बस्ता हमें जो भेज दिया। ये बस्ता अटल का है? हाँ अटल का है। ये अगर आप हमें भेज दे तो? ले अब ये बस्ता का तुम लोग क्या करेगी? हमें भेज दो ना, हम कुछ भी करें। लो कर लो बात। अरे इस बस्ता का कीमत हमने एक आना में दिया है। हाँ। अगर इस बस्ते का हम आपको दो आना दे दे तो? दो आना? ठीक है फिर दे दो, दो आने हम दे देंगे बस्ता। अच्छा ठीक है, तो आप यही रुकिए। हाँ। हम अभी घर से पैसा लेके आते हैं। अरे मजा आ गया हमको, मजा आ गया। अरे एक अना के जागा दो अना मिल गया, मजा आ गया। लो अटल। शिक्षा और दूसरे हाथ में आत्मरक्षा करने के लिए लाठी। जीवन में दोनों की आवश्यकता है। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। तभी जीवन का, समाज का, परिवार का और देश का विकास होगा। जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बनके प्रकाश धर्म का दिखाना तू ही मां। बनके प्रकाश धर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, दीदी ईश्वर अटल का साथ क्यों नहीं दे रहे? ये पूछ रही थी ना आप मुझसे ऊपर। ये है उसका जवाब आपकी आंखों के सामने। दीदी सुबह सुबह उठकर आंखें बंद करके ईश्वर तक पहुंचने से ईश्वर साथ नहीं देते हैं। सुबह सबसे पहले ईश्वर को देखने से भी वो साथ नहीं देते हैं, पूजा पाठ करने से भी वो साथ नहीं देते हैं। दीदी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये करना गलत है, लेकिन ये करते समय
मन शुद्ध होना चाहिए, मन में सच्चाई होनी चाहिए। अगर मन में सच्चाई हो, मन शुद्ध हो, तो ईश्वर साथ देता है। बस यही कहना चाहती थी।